नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप SSC MTS जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ और आपकी आँखें खोलने वाला हूँ। एक्चुअल में जो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी आपका एग्ज़ाम कम्प्लीट भी नहीं हुआ है, 2 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और अभी से तमाम चैनल वाले जो हैं वो कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे आज ये बताने वाला हूँ कि कट ऑफ का एनालिसिस कब किया जा सकता है और कट ऑफ किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा और कट ऑफ कितनी किया जाएगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ जो है वो कितने पॉइंट पे डिपेंड करती है। देखिए, जो भी कट ऑफ है किसी भी एग्ज़ाम की, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसकी जो कट ऑफ है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि वैकेंसी कितनी है, जो भी पोस्ट के लिए आपका फॉर्म फिलअप किया गया है जिसकी आप कट ऑफ निकालना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। नंबर 2 कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है, उसके अलावा कितने अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो इन तीनों जो फैक्टर हैं उन पे आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी 10,000 से ऊपर ही रहने का अनुमान है। पिछली बार भी आपकी 9,000 कुछ वैकेंसी थी, तो इस बार भी आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 से ऊपर ही रहेंगी, इतना एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल आपका तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक कि एक्चुअल आंसर की नहीं आएगी, और आंसर की आने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कहीं ना कहीं कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, कितना शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर स्टूडेंट का आ रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं। बात करें तीसरे पॉइंट की, कितने अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, या टोटल अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्ज़ाम कितने हैं, तो वो भी डाटा हमको तब पता चलेगा जब एग्ज़ाम आपका ओवर हो जाएगा। तो जो भी अभी एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, वो सब कुछ नहीं बस व्यूज़ का खेल है। तो सिर्फ व्यूज़ पाने के लोग काम कर रहे हैं। अभी अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ कब एनालिसिस किया जा सकता है, कट ऑफ का, तो जब आपकी आंसर की आ जाएगी, तो जब आप अपने मार्क्स मिला लेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक सही एनालिसिस कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी किया जाएगी। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है, क्योंकि अभी आपका SSC ने जो आपका रिव्यू होता था, एग्ज़ाम रिव्यू होता था, उस पर भी बैन लगा रखा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी के पास भी बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो 1-2 लोग रिव्यू करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत है और उन्हें उसका मतलब खामियाजा उठाना पड़ सकता है, वो रिस्क में है। तो कोई भी रिव्यू नहीं कर रहा है, इस वजह से क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का एनालिसिस तभी किया जा सकता है जब आपका आंसर की आएगी। तो मुद्दा ये उठता है कि आंसर की कब आएगी, तो उसके बारे में डिटेल में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बस मैं आपको यही चीज़ आज के इस वीडियो में बताना चाहता था कि इस टाइम पे जो आप कट ऑफ वगैरह का वीडियो देख रहे हैं, वो सारे जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं वो बेसलेस है, क्योंकि उनका सिर्फ प्रेडिक्शन है, वो सही एनालिसिस कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारा कुछ सही एनालिसिस मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे MTS के, मैथ्स के, वो सारे आपको कराए और मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता था वो मैंने की, और आगे भी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो भी आपको अभी Tier 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आपका डिपार्टमेंट मिलने में कितना टाइम लगता है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप 2 नवंबर है उसका वेट करिए, 2 नवंबर को आपका अंतिम एग्ज़ाम है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आंसर की कब क्या आएगी, उसके बाद जब आंसर की आएगी तो कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे बिल्कुल सटीक तरीके से मैं भी आपका करवाने वाला हूँ। उसके अलावा Tier 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपकी यहाँ पे कराऊंगा। तो इस चैनल पे आपको MTS के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है कि कट ऑफ वगैरह को अभी आप जो कट ऑफ वगैरह देख रहे हैं वो सारा कुछ बिल्कुल व्यूज़ के लिए आपका किया जा रहा है, उस पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मतलब एक ऑथेंटिसिटी नहीं, वो सारा कुछ अनुमान बेस्ड है। तो कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो अभी हम नहीं करेंगे, जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद एक ऑथेंटिक जो आपका हो सकता है एनालिसिस कट ऑफ का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही छोटा सा मैसेज था जो मुझे आप लोगों तक पहुँचाना था। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की उन्हें आप समझ पाए होंगे। तो राइट जो चैनल है उसे चुनिए,
और राइट चीज़ों को फॉलो करिए, तभी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुँच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।